प्लेटफॉर्म से ट्रेन निकल चुकी है। 180 डेज चैलेंज ऑल ओवर इंडिया एंड नेपाल जो करने वाला हूँ, ये पहला डेस्टिनेशन है गाइस और पहला प्लेस है जानकी टेम्पल, राम जी का ससुराल है गाइस। ये मेरा थर्ड डे है आज, अभी तक मैं काठमांडू पहुँच नहीं पाया हूँ। हाय एवरीवन, आप सभी को मेरे ब्लॉग और चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। अभी मैं गया जैक्सन पे हूँ, ट्रिप ख़त्म करने के बाद फिर से मैं एक 180 डेज का ट्रेवल चैलेंज है गाइस, ऑल इंडिया पूरा 180 डेज में कवर करने वाला हूँ मैं। सो स्टार्टिंग पॉइंट गया है, पूरा इंडिया को भी एक्सप्लोर करने वाला हूँ गाइस। और अभी मैं यहाँ गया से पटना जा रहा हूँ, पटना इंटरसिटी से ये रही ट्रेन जो खड़ी है, अभी चलते हैं पटना, लेट्स गो। प्लेटफॉर्म से ट्रेन निकल चुकी है, चलते हैं अपने सीट पे। मेरे साथ एक मेरा फ्रेंड है जो नेपाल तक ही है, तो थोड़ा शर्मिला है इसके वजह से बोल नहीं पा रहा है वो। तो फाइनली गाइस मैं अभी पटना पहुंच चुका हूं और ये मेरे सामने पीछे है पटना रेलवे स्टेशन, और ये सामने है हनुमान मंदिर, पटना का पॉपुलर हनुमान मंदिर बहुत ही फेमस है। सो यहां से चलना अभी बस स्टैंड, वहां से लेना है नेपाल के लिए बस गाइस। डिसाइड नहीं कर पाया हूं कि मुझे काठमांडू जाना है या फिर एक बाल में जनकपुर बोल के एक जगह है नेपाल में ही पड़ता है, वहाँ जाना है। तो वो बस स्टैंड जाने के बाद ही पता चलेगा कि जनकपुर जाना है या काठमांडू जाना है गाइस। ये रहा ये काउंटर है गाइस, भारत नेपाल बस सेवा। 12 घंटा वेट करने के बाद ये बस मिला है। 1:30 को एक बस और था जो जिसमें 5 दिन प्री बुकिंग चल रहा है, इसके वजह से मुझे टिकट नहीं मिला, जिसके वजह से मुझे ना 12 घंटा वेट करना पड़ा ये बस के लिए। ये रहा भारत नेपाल बस सेवा, ये काठमांडू नहीं जा रही है, काठमांडू नहीं जाकर जनकपुर ही जा रहा हूँ। जनकपुर एक सिटी है, बहुत पॉपुलर टेंपल है, वो विजिट करेंगे और विजिट करने के बाद फिर वहाँ से निकलेंगे काठमांडू के लिए गाइस। अंदर का कंडीशन भी उतना कुछ खास नहीं है गाइस। ये रहा मेरा सीट गाइस। फाइनली मैं पटना से जानकी जनकपुर पहुँच गया हूँ, चलते हैं इस मंदिर को विजिट करते हैं, देखते हैं क्या है, क्या स्पेशल है। टेंपल है जो नेपाल में पड़ता है गाइस, जनकपुर सिटी करके है, उसी के अंदर ही है गाइस, ये इसी के नाम से ये सिटी का नाम भी है जानकी जनकपुर। 180 डेज चैलेंज ऑल ओवर इंडिया एंड नेपाल जो करने वाला हूँ, ये पहला डेस्टिनेशन है गाइस और पहला प्लेस है जानकी टेम्पल। सो चलते हैं अंदर, देखते हैं ये टेम्पल कैसा है, क्या हिस्ट्री है यहाँ का। लेट्स गो। ये फ्रंट है ये टेम्पल का और बहुत कलरफुल टेंपल है गाइस। ये जो टेंपल है एक्चुअल में सीता जी का घर है, सीता जी का बर्थ प्लेस है ये, राम जी का ससुराल है गाइस। बगल में मंडप है, पहले ये सीता जी का घर देखते हैं, मंदिर है सीता जी का तो ये देखते हैं, उसके बाद इसके जस्ट बगल में जो राम जी का विवाह हुआ था मंडप भी विजिट करेंगे। टेम्पल तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है गाइस और देखने में बहुत अच्छा लग रहा है। जस्ट हम लोग अंदर आ चुके हैं, ये सामने वाला जो है मंदिर है, अंदर का एरिया कुछ ऐसा है मंदिर का अंदर। तो बाहर में की दबाओ, मैं नहीं के तो बाहर। ये एंट्रेंस है गाइस जिससे हम लोग अंदर आए हैं, तो अंदर चलते हैं टेंपल के अंदर। बहुत सारा स्टैचू है अंदर रखे हुए हैं। बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे, बहुत सारा भीड़ है गाइस। ऊपर का व्यू है गाइस जानकी टेंपल का, जनकपुर टेंपल एंड जानकी टेंपल, जानकी बोलो या जनकपुर बोलो दोनों सेम है गाइस। टेंपल तो बहुत खूबसूरत है, बहुत प्यारा है गाइस, बहुत अच्छा लग रहा है देखने में। बहुत भीड़ है यहाँ पे। बीच में है, चारों बगल से घूम सकते हैं आप, परिक्रमा कर सकते हैं, वैसा बना हुआ है। ये जो देख रहे हैं आप सामने ये एग्जिट पॉइंट है गाइस, ये इस टेंपल का, इस टेंपल के बगल में सटा हुआ बाउंड्री है मंडप का। सो मंडप में चलेंगे अभी, सीता जी एंड राम जी का मंडप, देखते हैं कैसा है।
श्री राम जानकी विवाह मंडप। मंडप का सामने का व्यू कुछ ऐसा है गाइस, ये मंडप है जो नेपाली स्टाइल में दिख रहा है, यहाँ के किंग के द्वारा बनाया गया था ये। ये मंडप है गाइस, राम जी एंड सीता जी का मंडप। ये मेरा थर्ड डे है आज, अभी तक मैं काठमांडू पहुंच नहीं पाया हूं। जनकपुर से डायरेक्ट काठमांडू के लिए बस या कोमो वगैरह कुछ नहीं मिल पा रहा था, इसलिए मैं बीरगंज आ गया था। और बीरगंज से वन डे स्टे करने के बाद होटल से मैं निकला हूं और अभी मैं जा रहा हूं बीरगंज टू काठमांडू। तीसरा डे गाइस, अभी तक मैं काठमांडू नहीं पहुँच पाया हूँ। इसी सोमो से चल रहा हूँ गाइस, ये बीरगंज से ये सोमो लिया हूँ। ये पता नहीं कौन सा जगह पे रुका है खाना खाने के लिए, रास्ते के बीच में हूँ। मैं रेस्टोरेंट से निकल चुका हूँ और ये सिटी का नाम है थोड़ा है और ये बीच में पड़ता है काठमांडू के बीच में। यहाँ से माउंटेन्स रीजन हिमालयंस रीजन स्टार्ट हो जाएगा। दोनों भाई के साथ मैं ट्राई करने वाला हूँ नेपाल का कोई फेस्टिवल फूड है ये। एक्चुअली ये नाम को मुझे पता नहीं। सेल रोटी और चना। सेल रोटी और चना है इसका गाइस नाम। ये टेस्ट करने के बाद पता चलेगा कैसा लगता है। घी और चावल घी और चावल से ये बनाया है गाइस। इसमें चावल जो है बहुत पतला नहीं है, हल्का मोटा टाइप का पिसा हुआ है और क्रंची लग रहा है खाने में। अच्छा लग रहा है। मेरा फेवरेट है। योर फेवरेट? ए भैया जी का फेवरेट है। एंड योर? माय आल्सो फेवरेट, सेकंड फेवरेट। अच्छा सेकंड फेवरेट डिश है ये। बहुत अच्छा लग रहा है, क्रंची लग रहा है खाने में। अभी जस्ट यहाँ से 10 मिनट का जो ब्रेक मिला था, अभी ब्रेक ओवर हो गया है, यहाँ से गाड़ी खुल रही है। यह है काठमांडू, बस काठमांडू पहुंच गए हम लोग। सामने दिख रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है दिखने में। फाइनली गाइस, मैं 3 दिन के बाद ये काठमांडू पहुंच गया हूं और ये मेरे पीछे हॉस्टल है, ये इसी हॉस्टल में हूं। मैं नेक्स्ट वीडियो में हॉस्टल टूर में दूंगा कि कैसा है, रूम है क्या, है क्या नहीं है। सो प्लीज़ अगर मेरे चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक माई वीडियोज़, कमेंट ऑन माई वीडियोज़। प्लीज़ आप लोग वीडियो देखते हैं मगर वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, बस लाइक बटन को टच करना है, दैट्स इट। प्लीज़ कमेंट करके बताइए इंडिया टू काठमांडू का टूर आपको कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब के लिए बाय बाय।